ज्ञान के मार्ग में पीछा नहीं रहना चाहते तो जुड़े हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान के साथ और पाइए अच्छे अच्छे ज्ञानवर्धक जानकारियाँ। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार हर साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि रक्षाबंधन का त्योहार भद्राकाल में भूलकर भी नहीं मनाना चाहिए। भद्राकाल में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधना बेहद ही अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। इसके साथ ही रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाए, इस पर बहुत ज्यादा ही उलझन की स्थिति है। दोस्तों, इस बार कई लोगों का मानना है कि रक्षाबंधन 20 अगस्त को मनाना चाहिए और वही कुछ लोगों का मानना है कि 19 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना शुभ रहेगा। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि रक्षाबंधन का त्यौहार किस दिन मनाया जाएगा और इसकी सही तारीख क्या है, 19 अगस्त या फिर 20 अगस्त। साथ ही आज हम आपको भद्राकाल का भी समय बताएंगे, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन पर भद्राकाल का साया रहेगा, इसलिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आपके लिए जानना अति आवश्यक है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र यानी की राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र की और स्वास्थ्य की कामना करती है, और भाई भी सदा अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि शास्त्रों में भद्राकाल में राखी का त्योहार मनाना अशुभ बताया गया है, इसीलिए भूलकर भी भद्राकाल में आप अपने भाई को राखी कभी ना बांधे। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। ऐसा कहा जाता है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्राकाल में ही राखी बंधवाया था और एक वर्ष के अंदर ही उनका विनाश हो गया था। इसके अलावा भद्रा, जो कि शनिदेव की बहन है, और उन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दिया है कि जो भी भद्रा के समय शुभ या फिर मांगलिक कार्य करेगा उसका परिणाम हमेशा ही अशुभ होगा। इसीलिए आप गलती से भी भद्रा के समय रक्षाबंधन का त्योहार ना मनाएं। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाइयों पर राखी बांधती है और उनकी लंबी उम्र की कामना करती है। इसीलिए इस दिन भाई बहन दोनों को स्नान आदि करके और हो सके तो नए वस्त्र पहनें, लेकिन याद रहे शुभ अवसर पर काले कपड़े ना पहने। वस्त्र पहनने के बाद मिलकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा से पहले आप पूजा की थाली अवश्य लगा ले और उसमें रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई आदि और एक शुद्ध घी का दीपक भी जरूर रख ले। दीपक आप चाहे तो आटे का बना ले या मिट्टी का या पीतल का, जिससे आप अपने भाई की आरती करेंगी। दोस्तों, अब आप इस पूजा की थाली को सबसे पहले भगवान को समर्पित करें और भगवान की कलाई पर पहली राखी बांधे या मंदिर में राखी चढ़ाएं। इसके बाद आप अपने भाई को पूर्व या फिर उत्तर की ओर मुख करके बैठाएं और बहन का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। रक्षाबंधन पर सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा पाठ हो जाने के बाद भगवान गणेश को राखी अवश्य बांधे और फिर अंत में भाई की कलाई के लिए थाली सजाएं। फिर भाई को सबसे पहले तिलक करें, उन्हें रोली, चंदन और अक्षत लगाएं, उनके ऊपर थोड़े से फूल छिड़के, यदि फूल आदि ना हो तो चावल छिड़के, और अंत में भाई की आरती करें। अब आप अपने भाई की दाएं हाथ की कलाई में राखी बांधे और इसके बाद भाई का मुंह मीठा कराए, भाई के लिए मंगल कामना करें। दोस्तों, वर्ष 2024 में रक्षाबंधन और भी शुभ होने वाला है। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन इस वर्ष 5 बड़े शुभ संयोग बन रहे हैं। यह अद्भुत संयोग भाई बहन के रिश्ते की डोर को और भी मजबूत करेंगे। पंचांग के अनुसार इस वर्ष रक्षाबंधन का पर्व सोमवार 19 अगस्त को पूरे उत्साह के साथ मनाया जाएगा। भाई बहन के प्यार के इस पवित्र बंधन पर इस बार भद्रा का साया है, इस कारण बहनें आने भाई के कलाई पर सुबह में रक्षा सूत्र नहीं बांध सकेगी। इस बार का रक्षाबंधन में सर्वार्थ सिद्ध योग, रवि योग, सौभाग्य योग, शुभन योग के साथ ही श्रावण मास का अंतिम सोमवार और श्रवण नक्षत्र एक साथ पड़ने का अद्भुत संयोग बन रहा है। ज्योतिष और पंचांगों के अनुसार 18 अगस्त की रात्रि और 19 के सुबह 2:21 से पूर्णिमा तिथि का आरंभ हो रहा है और समाप्ति 19 अगस्त की रात में 12:27 पर हो रही है। रक्षाबंधन पर राखी बांधने का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:30 से रात 9:08 तक रहेगा, तो वहीं रक्षाबंधन के लिए अपराह्न का मुहूर्त दोपहर 1:43 से शाम 4:20 तक रहेगा। रक्षाबंधन के लिए प्रदोष काल का मुहूर्त शाम 6:56 से रात 9:08 तक रहेगा। दोस्तों, पूर्णिमा का आधा हिस्सा भद्रायुक्त होता है। भद्रा दिन में दोपहर 1:24 तक है, जिसके कारण 19 अगस्त को दिन में 1:24 के बाद से रात्रि 12:27 तक रक्षाबंधन का शुभ कार्य किया जा सकता है। शास्त्रों के अनुसार भद्रा काल में रक्षाबंधन नहीं किया जा सकता है।
दोस्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार जब चंद्रमा कर्क सिंह कुंभ और मीन राशि में गोचर करते हैं और भद्रा विष्टिकरण का योग होता है, तब भद्रा मृत्युलोक में भ्रमण करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भद्रा अशुभ होती है, इसमें किसी कार्य का शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। ऐसी मान्यता है कि इस समय में भगवान शिव तांडव नृत्य करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार रावण ने भद्रा काल में ही अपनी बहन से राखी बंधवाई थी, जिसके कारण उसका सर्वनाश हो गया। पुराणों में भद्रा को लेकर जो कथा मिलती है, उसके अनुसार भद्रा सूर्य देव की पुत्री क्वेश्चन है कि बहन है कहते हैं। जिस तरह से शनि का स्वभाव थोड़ा सा था, उसी तरह भद्रा भी स्वभाव से थोड़ी कड़क मिजाज भद्रा को काफी क्रोधी स्वभाव का बताया गया है। इनके स्वभाव को काबू करने के लिए ब्रह्मा जी ने उन हे पंचांग में वशीकरण के रूप में जगह दी। दरअसल निद्रा देवी एक समय पूरे संसार को अपना निशाना बनाने वाली थी और इसी वजह से वह सभी कार्यों में बाधा डालने लगी। इसके बाद उन्हें ब्रह्मा जी ने समझाया और उन्हें कणों में सातवें करण विशेष के रूप में जगह दी। कहा जाता है कि भद्रा काल तीनों लोकों में वास होता है। यह हर समय तीनों लोकों में विचरण करते रहती है। जहां जिस लोक में भद्रा होती है, उस समय उस लोक में शुभ काम नहीं किए जाते हैं और इसी वजह से कोई भी बहन अपने भाई को भद्रा में राखी नहीं बांधती है। दोस्तों, रक्षा बंधन का यह कहानी बहुत ही पुराना और प्रचलित है, इसी कारण से रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। दोस्तों, ऐसी ही एक कहानी है इंद्र की पत्नी सची की, जिन्होंने शक्तिशाली राक्षस राजा बलि के खिलाफ युद्ध के दौरान इंद्र की कलाई पर रक्षा के लिए एक धागा बांधा था। यह कहानी बताती है कि पवित्र धागे का इस्तेमाल संभवतः प्राचीन भारत में ताबीज के रूप में किया जाता था, जो युद्ध में जाने वाले पुरुषों को सुरक्षा प्रदान करता था और यह केवल भाई बहन के रिश्ते तक ही सीमित नहीं था। भागवत पुराण और विष्णु पुराण की एक और कथा बताती है कि कैसे भगवान विष्णु ने राजा बलि को हराकर तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली, जिसके बाद राजा बलि ने भगवान विष्णु से अपने महल में रहने का अनुरोध किया। भगवान विष्णु की पत्नी देवी लक्ष्मी इस व्यवस्था से सहमत नहीं होती हैं और राजा बलि को राखी बांधकर अपना भाई बना लेती हैं। इस भाव से प्रभावित होकर राजा बलि उनकी इच्छा पूरी करते हैं और लक्ष्मी भगवान विष्णु से घर वापस आने का अनुरोध करती हैं। एक अन्य कहानी में गणेश की बहन देवी मनसा रक्षाबंधन पर उनसे मिलने आती हैं और उनकी कलाई पर राखी बांधती हैं। इससे गणेश के बेटे शुभ और लाभ प्रेरित होते हैं, जो रक्षाबंधन उत्सव में भाग लेना चाहते हैं, लेकिन बहन के बिना खुद को अकेला महसूस करते हैं। वे गणेश को एक बहन देने के लिए राजी करते हैं, जिससे संतोषी माँ की उत्पत्ति होती है। तब से तीनों भाई बहन हर साल एक साथ रक्षाबंधन मनाते हैं। दोस्तों, रक्षाबंधन में मूलतः या दो भावनाएं काम करती रही है। प्रथम, जिस व्यक्ति के रक्षाबंधन किया जाता है उसके कल्याण की कामना, और दूसरी, रक्षाबंधन करने वाले के प्रति स्नेह की भावना। इस प्रकार रक्षाबंधन वास्तव में स्नेह और शांति और रक्षा का बंधन है। इसमें सबके सुख और कल्याण की भावना निहित है। विधिपूर्वक जिसके रक्षाबंधन किया जाता है वह संपूर्ण दोषों से दूर रहकर संपूर्ण वर्ष सुखी रहता है। तो रक्षाबंधन की सही विधि अब हम आपको बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिए हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। यह दोस्तों, सावन पूर्णिमा पर भाई बहन सुबह स्नान करने के बाद भगवान की पूजा करें। राखी बांधने से पहले बहन और भाई दोनों वायर्स रखें। भाई को राखी बांधने से पहले बहन ऑप्शन की थाली सजाएं। थाली में राखी, रोली, दीपक, कुमकुम, अक्षत, पीली सरसों और मिठाई रखें। थाली में एक नारियल भी रखें और साथ ही एक तांबे के लोटे में गंगाजल, या गंगाजल नहीं है तो साफ पानी भी रख सकते हैं। फिर एक बात का खास करके ध्यान रखें कि राखी बांधने से पहले भाई का सिर रुमानिया गमछे से ढका होना चाहिए। बहन के सिर पर पल्लू या दुपट्टा होना चाहिए। फिर बहन भाई के माथे पर रोली, कुमकुम और अक्षत से टीका लगाएं। इसके लिए दाहिने हाथ की अनामिका उंगली का इस्तेमाल करें। सबसे पहले रोली का टीका लगाएं, फिर कुमकुम को उसके ऊपर लगाएं और फिर उस पर चावल लगा देंगे। और भाई के हाथ में राखी बांधने से पहले उसके हाथ में एक नारियल जरूर रखें। खाली हाथ में राखी कभी भी नहीं बांधनी चाहिए। अब अपने भाई के हाथ में रक्षा सूत्र यानी राखी बंधे और फिर उनके हाथ से नारियल वापस लेकर थाली में रखें। फिर थाली में रखे हुए मिठाई से भाई का मुंह मीठा कर आएं। फिर भाई की लंबी उम्र, उनके अच्छे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की कामना करते हुए आरती उतारें। उसके बाद थाली में रखी हुई पीली सरसों दाहिने हाथ में
लेकर भाई की नजर उतारे और फिर सरसों को भाई के पीछे की तरफ फेंक दें। अब थाली में रखा हुआ लोटे के अंदर का गंगाजल लेकर अपने भाई के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए उन पर छिड़क दें। बाद में थाली में रखे हुए दीपक को घर के मंदिर में रखते उसे बुझाए नहीं कि अगर बहन अपने भाई से छोटी है तो भाई के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें, और अगर बहन भाई से बड़ी है तो फिर आपके भाई आपके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद ले सकते हैं। दोस्तों और कुछ बातों का ध्यान भी अवश्य रखें। रक्षाबंधन पर काले कपड़े ना पहने और न ही काले रंग की राखी बांधे, इसे अशुभकारी माना जाता है। भाई की कलाई पर लाल रंग की राखी बांधना अत्यंत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों रक्षाबंधन के पावन अवसर पर उपहार में बहन को लोहे की नुकीली वस्तुएं भेंट में कभी नहीं देनी चाहिए। बहन को कोरे सफेद वस्त्र भी उपहार में ना दें। उपहार में दक्षिणा, रंग बिरंगे वस्त्र, गहने आदि भेंट करें। दोस्तों रक्षाबंधन के दिन बहनों से राखी बंधवाने से भाई को हर काम में विजय की प्राप्ति होती है और अन्य बाधाओं से भी मुक्ति मिलती है। जिन भाइयों की बहनों नहीं होती है वह मुंह बोली बहन से भी राखी बंधवा सकते हैं। आजकल सोने चांदी के राखी का प्रचलन अपने लगा है, क्योंकि सोने और चांदी को शुद्ध धातु माना गया है। सोने चांदी की राखी में भी रेशम का ही धागा होता है। यह राखी कीर्ति भी होती है और अति पवित्र भी। कई क्षेत्रों में प्रथा है कि पुरोहित अपने यजमान को राखी बांधते हैं और यजमान अपने पुरोहित को, और ऐसे में दोनों एक दूसरे की उन्नति की कामना करते हैं। भारत में कई जगहों पर राखी मुहूर्त में वृक्षों को भी राखी बांधने का विधान है, क्योंकि प्रकृति जीवन की रक्षा होती है। तो दोस्तों विधि विधान से उचित समय पर इस राखी पूर्णिमा पर राखी बांधकर यह बनवाकर अपने भाई बहन के रिश्ते की डोर को मजबूत बनाए उम्मीद है। तो दोस्तों ये थे आज की छोटी सी जानकारी। यह जानकारी कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, और हाँ कमेंट में अपना नाम और राशि जरूर लिखना ताकि आने वाले समय में आपको आपके राशि के अनुसार हम उपाय और सुझाव बता सके। वीडियो को आगे शेयर करना न भूले। आपके एक छोटे से प्रयास किसी की जीवन में खुशहाली ला सकता है। जय श्री राम। धन्यवाद।